ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਹੈਲੋ, ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਸਰ ਸੇ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਨੇ ਹਰੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੀ, ਬਤਾਈਏ ਕਿਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਸਰ? ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਾਫੀ ਬਾਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੂੰ, ਬਟ ਆਜ ਆਪਕਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਜੀ ਬੋਲੀਏ ਕਿਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਸਰ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਸਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਹੈ। ਅਮਨ ਆਪਨੇ ਅਮਨ ਆਪਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਿਆ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? जी अमन आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पहली अप्रैल से पहले अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल से रूलिंग चेंज हो रही है जिसमें 6 सीट चाहिए होंगे आपको। अच्छा। आपको हॉस्पिटैलिटी में वीज़ा मिलेगा और ये आपको टोरंटो के अंदर मिल जाएगा और हम लोग आपको मई इनटेक में भेज सकते हैं जी। सर इतनी जल्दी हो सकता है सर? हाँ जी, 15 से 20 दिन में आपका सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। जी और उन्हें मैंने अपना ये सारा डेटा दिया था, तो वो एलिजिबिलिटी के लिए आप नहीं करते क्रॉस, भी आपको आईएस फिर से देना पड़ेगा। अमन अगर आप 1 अप्रैल से पहले अप्लाई करते हैं फिर नहीं देना पड़ेगा। ओके। अगर आप रुक जाते हैं अभी 15 दिन, देन आपको 6 ईच स्कोर करना पड़ेगा। सर ठीक है सर, तो सर उसके लिए मैं आपकी चंडीगढ़ ब्रांच में विजिट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आना सर अमन जब आपकी कॉल ख़त्म होगी मैं आपका नंबर चंडीगढ़ ब्रांच को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपको अभी कॉल करके अपॉइंटमेंट दे देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू अमन। काफ़ी सारा कुछ गाइड कर सकते? हाँ जी हाँ जी, एवरीथिंग यू विल गेट एवरीथिंग आफ्टर 10-20 मिनट्स। ओके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तुहाडा वीज़ा रिफ्यूज हो चुका वै, तुहाडे बैंड घट है, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓ। ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਰ। हाँ जी, विनय हरी बोल रहा हूँ, बताइए जी क्या जानना चाहते हैं? सर कनाडा का। हाँ जी। सर आप कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं बोल रहा सर, दिल्ली से, जनकपुरी से। हाँ जी बताइए। फेसबुक पे दिखा था ये ना? हाँ जी हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं नवनीत जी आप? सर ये टूरिस्ट वीजा तो कनाडा का है, इसकी कितनी कीमत है? सर हम लोग 50,000 रुपया फीस लेते हैं, तब लेते हैं जब वीज़ा लग जाता है, उसके पहले कुछ भी नहीं लेते सर। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट क्या है, बैंक स्टेटमेंट लगा देनी पड़ेगी सर? जी सर, आपको 5 से 10 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट और आप जो काम करते हैं उसके प्रूफ देने पड़ेंगे सर। अच्छा सर, मैं एक चेक कहना चाहता था, चलो मेरे वो ब्रदर ने लगवाना है, एनीवे मेरे पास टूरिस्ट वीज़ा है अपना कनाडा का। जी सर। तो मेरा इसमें क्या सर, वहां जाके कुछ वर्क परमिट में या कुछ कन्वर्ट करा सकते हैं? सर जिसके पास भी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा होता है वो इस वीज़े को वहाँ जाके टूरिस्ट से या विजिटर वीज़ा से इसको आप वर्क परमिट में या स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं। सर एक्चुअली माय एज इज 32 एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए और 8 इयर्स आई हैव। सर इट्स वेरी इजी सर, आपको उधर पहुँच के किसी लॉयर को मिलना है, लॉयर आपको अगर किसी एम्प्लॉयर से LMI ले देते हैं तो आपका वर्क परमिट हो जाता है, अगर नहीं होता तो आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेके इसको स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी जी, हम लोग आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे सर, आप एक बार हमारी चंडीगढ़ ब्रांच विजिट कर लीजिए सर। अच्छा, तो मैं आपकी ब्रांच में कहाँ पे आना है मुझे? चंडीगढ़ या जलंधर, दोनों में से किसी जगह अपॉइंटमेंट लेके हमें मिल लीजिए सर। सर हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, करना सारा कुछ आपको खुद पड़ेगा सर। मतलब
सर वो आपको इंटरव्यू इंटरव्यू कंडक्ट करानी पड़ेगी ना, ऐसे यहाँ बैठे तो कुछ भी नहीं होगा सर। मैं सर एक आपसे विनय हरी जी आपका एक सेकंड बोल दूंगा। मैंने ना ये वीजा किसी को से मतलब अपने कंसल्टेंट की छोड़ी है जी। मैंने उसको चार्ज भी अच्छे से पे कर दिया था मतलब आफ्टर वीजा ना जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं कहाँ चंडीगढ़ में आपके ऑफिस हो मतलब उसको गूगल से देख कर आता हूँ ना। हाँ जी हाँ जी, आप फोन करके प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके आना सर। तो मतलब सर आप गाइड मुझे क्या करोगे, मुझे ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आई मतलब मेरे को प्रॉपर। सर बहुत सारी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं होती, बैठ के आपको समझाई जा सकती हैं। धन्यवाद जी। आप पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, आने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा सर। इसी नंबर पे फोन करके? हाँ इसी पे करिएगा, इसी पे सर। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आज बहुत सारे लोग वीज़ा चेंज कराना चाहते हैं। जेकर तुहाडे कोल आस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा वै, तुहाडे कोल कैनेडा का विजिटर वीज़ा, घूमन का टूरिस्ट वीज़ा, ये वीज़े नूं तुसीं अगे चेंज करा सकते हो, वर्क परमिट करा सकते हो, स्टूडेंट वीज़ा च करा सकते हो। किदां हुंदा, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए है। कोई भी वीज़ा वै उहनूं चेंज कराया जा सकता जेकर लीगल तरीके नाल तुसीं ओह वीज़ा लिता वै। तुहाडे सारे कागज़ात सही होने चाहिए है, तुसीं पढ़े लिखे होने चाहिए हो, तुहानूं अंग्रेजी की नॉलेज होनी चाहिए है, तुसीं आपका वीज़ा चेंज करा सकते हो। होर किसी तरह की जानकारी चाहिए तुसीं साडे तक पहुँच सकते हो। तुहानूं नंबर स्क्रीन के उत्ते नज़र आ रहा, इस नंबर पर कॉल करके तुसीं आपके लाइव सवाल भी लै सकते हो। साड़ी कोशिश होंदी है गाइड करिए बच्चों किदा वो अपन मंजिलों तक पहुँच सकते हैं, किदा कामयाब हो सकते हैं। बट वीज़े साढ़े भी रिफ्यूज़ होंगे, असी कभी भी गरंटी नहीं देते किसी वीज़े की। जी हाँ गरंटी है पैसे वीज़ा तो बाद लैन की। हाँ जी सत श्रीकाल जी। हैलो। हाँ जी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। जी सर। हाँ जी सर, मैं कनेडा की पूछना सीगा। हाँ जी, की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह कित्थों बोलदे तुसी? सर मैं जम्मू तो। अमन की जानना चाहते जी? हाँ जी सर, मैं प्लस टू की 2017-17। हाँ जी। हाँ जी सर, उसके बाद मैं पीटी का एग्जाम देता थी, मेरे ओवर आम 5.5 आए थे। अच्छा जी। हाँ जी सर, केवी अड्डे का हो जाऊगा मेरा। तो प्लस टू कादी की थी? सीबीएसई की थी। तुम जम्मू बोर्ड ना की है? सर जम्मू बोर्ड ना। तो सब्जेक्ट की है तुहाडे? नॉन मेडिकल। तो नंबर कितने परसेंट है तुहाडे? सर नंबर है मेरे 57। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ 6 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਜਿਓ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਿਓ। ਓਕੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ।